हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड जीके साइंस करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से आपको थोड़ी सी भी कुछ जानकारी मिलती है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। या आईटीआई वालों छात्र तो के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। आज मैं यूनिट नंबर 3 यानी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी या प्रारंभिक विद्युत से एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आप जरूर देखिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। हमने जो कल पढ़ा था उसका पहले थोड़ा सा रिविज़न कर लेते हैं, फिर हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। कल हमने पढ़ा था प्रकाशीय प्रभाव या लाइटिंग इफेक्ट क्या होता है विद्युत का। तो जब विद्युत की ऊंची धारा को किसी लैंप से गुजारा जाता है तो लैंप प्रकाश बिखेरने लगता है, यह विद्युत का प्रकाशीय प्रभाव होता है। जैसे उदाहरण के लिए फ्लोरोसेंट ट्यूब, जो हमारे घरों में ट्यूबलाइट लगा होता है, वह भी इस प्रभाव का उदाहरण है। और नियॉन लैंप, CFL, LED लैंप, कार्बन लैंप सभी इसके उदाहरण हैं। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत का शारीरिक प्रभाव। मानव शरीर में से जब करंट या विद्युत गुजरती है तो हमारी आंतें और नसें सिकुड़ जाती है। और यह क्यों सिकुड़ जाती है? क्योंकि हमारे खून की स्पीड करंट की स्पीड से बहुत ही कम होती है। करंट की स्पीड होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन हमारे खून की स्पीड बहुत कम होने के कारण यह खून को चीरता हुआ करंट आगे निकल जाता है। तो इसीलिए हमारी नसें और आंतें सभी सिकुड़ जाती है और हमें झटका महसूस होता है। सूखे शरीर का प्रतिरोध ज़्यादा होता है और चालकता कम होती है, और गीले शरीर का प्रतिरोध कम होता है और चालकता अधिक होती है। इसका मतलब यह हुआ कि सूखे शरीर में करंट कम लगता है, लेकिन गीले शरीर में करंट बहुत ज़्यादा लगता है। सूखे शरीर का प्रतिरोध होता है 70,000 ओम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर से लेकर 1,00,000 ओम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर, और गीले शरीर का प्रतिरोध होता है 700 ओम स्क्वायर प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर से लेकर 1,000 ओम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर। नोट, यदि अधिक वोल्टेज जो 20 mA से अधिक धारा चलाता हो, वह वोल्टेज जो 200 mA से अधिक धारा चलाता हो, वह शरीर की बाहरी चमड़ी को जला देता है। जो व्यक्ति को करंट लगता है तो उसकी स्किन जल जाती है या काली हो जाती है, वह इसी का कारण है। विशेष प्रकार की किरणों का प्रभाव। जब विद्युत धारा की किसी विशेष विधि द्वारा तल पर डाला जाता है विद्युत धारा को, तो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन की विधि द्वारा विशेष प्रकार की किरणें निकलती है। हाईटेक टेक्नोलॉजी में इन प्रभाव का उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा इसका चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे शरीर की हड्डियों और आंतरिक भागों की फ़ोटो खींचने के लिए इन्हीं का उपयोग किया जाता है, लेज़र किरण और एक्सरे का। तो एक्सरे के द्वारा ही हम, जब भी हमारा कुछ फ्रैक्चर हो जाए हाथ पर, तो इन हड्डियों को देखने के लिए हम एक्सरे का उपयोग किया जाता है। और चिकित्सा के क्षेत्र में इन किरणों का प्रभाव बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है, और इसके द्वारा शरीर के आंतरिक भागों की फ़ोटो खींची जाती है। चलिए प्रारंभिक विद्युत से वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश का अध्ययन किया जाता है उसे विद्युत कहते हैं। आवेशों के अध्ययन को ही विद्युत कहते हैं, यह हमने पहले दिन ही पढ़ा था। किसे कहते हैं? आवेशों के अध्ययन को विद्युत कहा जाता है। विद्युत की और भी 2-3 परिभाषाएं हैं। किसी कंडक्टर या चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को भी विद्युत कहते हैं, और किसी एक दिशा में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को भी विद्युत कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। क्या भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश का अध्ययन किया जाता है उसे विद्युत कहते हैं? यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्या है? विद्युत एक प्रकार के ऑप्शन नंबर ए शक्ति है, ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा है, ऑप्शन नंबर सी वेग है, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा है। तो बताइए क्या है विद्युत? तो विद्युत इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम ना तो छू सकते और ना ही देख सकते। इसे हम इसके अनुप्रयोगों मात्र से ही इसका पता लगा सकते हैं, जैसे कि लाइट का जलना, पंखे का चलना, मोटर का चलना, यही विद्युत की उपस्थिति बताते हैं। तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, और ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में
रूपांतरित किया जा सकता है, जैसे कि विद्युत ऊर्जा के द्वारा हम मोटर चला के यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, ताकि हमें पंप या फिर कुछ एयर खींचना हो तो वह हम खींच सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत की घटनाएँ कौन सी हैं, जैसे तड़ित, पंखे का चलना, बल्ब का जलना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी विद्युत की घटनाओं में यह भी शामिल होता है, तड़ित, पंखे का चलना और बल्ब का जलना। तड़ित का अर्थ हुआ कि जब आसमान में बिजली कड़कती है तो जो बिजली पृथ्वी पर गिर जाती है वही तड़ित कहलाती है, इसीलिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगों और बड़े बड़े महलों पर तड़ित चालक लगाया जाता है, जिसके द्वारा बिल्डिंग को के ऊपर तड़ित यानी बिजली के गिरने से उसे बचाया जा सकता है। यह तांबे का बना होता है और त्रिशूल के आकार का होता है, जिसके द्वारा बिजली आसानी से ज़मीन में चली जाती है और बिल्डिंग नष्ट होने से बच जाती है। और जब हम विद्युत के द्वारा हम पंखा भी चला सकते हैं और बल्ब का जलना, यह सभी विद्युत घटना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों के असंतुलन के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है। तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों के असंतुलन के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है चुंबकीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत ऊर्जा। किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों में असंतुलन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। मैं एक पॉइंट बताना भूल गया इस क्वेश्चन में, जो तड़ित चालक होता है इसे हम बिल्डिंग पर त्रिशूल के आकार का बनाकर रख देते हैं और ज़मीन में इसे कनेक्ट कर देते हैं। ज़मीन में कनेक्ट करने से सबसे बड़ा चालक हमारा होता है क्या, पृथ्वी। तो पृथ्वी हमारा सबसे बड़ा चालक होने के कारण यह किसी भी जो बिजली कड़कती है या बिजली गिरती है उसे अपनी ओर आकर्षित करता है और ज़मीन में भेज देता है। इससे बिल्डिंग को आसानी से बचाया जा सकता है, बिल्डिंग हो गया या फिर कोई टावर हो गया, इसे आसानी से नष्ट होने से बचाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ग्रीक भाषा में एम्बर को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी परमाणु। तो ग्रीक भाषा में एम्बर को बताइए क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन। एम्बर को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन। एम्बर को जब रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो इसमें माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि हम इसे कागज़ के टुकड़े या बाल को आकर्षित करता है। यह एक स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले विद्युत की खोज इसी तरीके से हुई थी, एम्बर को एक रेशम के कपड़े के ऊपर रगड़ने से या एक चमड़े के ऊपर रगड़ने से विद्युत उत्पन्न की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यह क्वेश्चन कुछ ज़्यादा बड़ा है। यह किसने बताया कि एम्बर को सिल्क के कपड़े पर रगड़ने से उसमें कागज़ के टुकड़े या बाल आदि अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थेल्स नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था सिद्ध करके कि जब हम एम्बर को सिल्क के कपड़े या रेशम के कपड़े से यदि रगड़ते हैं तो उसमें बाल या कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार विद्युत धारा का स्रोत कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ऑप्शन नंबर बी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार भी और वैसे भी विद्युत धारा का प्रवाह पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। यह क्यों होता है, अब इसे याद रखने की ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस दिशा में होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव है। तो आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन जब उसके पास माइनस होगा तो वह माइनस के पास तो जाएगा नहीं, वह प्लस के पास ही जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन किस दिशा में जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है क्या इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के विपरीत ही जाता है क्या हमारा धारा।
या विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर और इलेक्ट्रॉन जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज, और जब इसके पास यह माइनस चार्ज है तो यह माइनस लेने तो जाएगा नहीं, इसलिए यह जाता है प्लस की ओर, और विद्युत धारा इसी के अपोजिट चलती है, यानी विद्युत धारा चलती है प्लस से माइनस की ओर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लस से माइनस की ओर चलती है विद्युत धारा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, बच्चे इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन में किस साइड धारा चलती है और विद्युत धारा में धारा किस दिशा में चलती है, मतलब धारा किस दिशा में चलती है और इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चलते हैं, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी के लिए मैंने यह ट्रिक बताई, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। नेक्स्ट है, आधारभूत विद्युत कौन सी प्रकार की हैं? स्थिर विद्युत, गतिशील विद्युत, ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, स्थिर विद्युत और गतिशील विद्युत, यह दोनों ही आधारभूत विद्युत के प्रकार हैं। पहले तो स्थिर विद्युत की खोज हुई थी, उसके बाद में फिर गतिशील विद्युत हुई थी। स्थिर विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, और जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता तो इसका कोई उपयोग नहीं है। जब कोई उपयोग नहीं है तो हम इसका उत्पादन क्यों करें, इसीलिए इसका उत्पादन भी नहीं होता और इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन जो गतिशील विद्युत है यह उपयोगी है, और हम इसे तार या केबल के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है और इसका उत्पादन भी होता है। तो अब बता दिए कि गतिशील विद्युत कौन कौन सी, तो गतिशील विद्युत होती है एसी और डीसी, यानी अल्टरनेटिंग करेंट या प्रत्यावर्ती धारा, या फिर डीसी यानी डायरेक्ट करेंट या दिष्ट धारा इसे कहते हैं हिंदी में। तो आप ज़रूर याद रखिएगा कि आधारभूत विद्युत का प्रकार क्या है, या फिर पूछा जाए कि विद्युत के प्रकार क्या है तो आपको एसी डीसी नहीं बोलना है, वह तो गतिशील विद्युत का है। विद्युत के प्रकार होते हैं पहले स्थिर विद्युत और गतिशील विद्युत, उसके बाद में आता है गतिशील विद्युत के प्रकार होते हैं एसी और डीसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी करवाइएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपको सेशन कैसा लगा। अभी MPTO भर्ती आने वाली है तो आप ज़रूर पढ़ाई करिएगा, और मैंने यूनिट नंबर 1 और 2 के वीडियो बना दिए, और यह अभी तीसरी यूनिट चल रही है। मैं 1 और 2 और 3 यूनिट जो चल रही है इसकी प्लेलिस्ट की वीडियो की लिंक दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर जरूर देखिएगा, वीडियो जरूर देखिए एक बार पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्बर को चमड़े पर रगड़ने से एम्बर पर कौन सा आवेश आ जाता है? तो अभी अपन ने पढ़ा था ऑप्शन नंबर ए प्लस आवेश, या ऋण आवेश, या ए और बी दोनों, या फिर डी ऑप्शन उदासीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋण आवेश। क्या जाता है एम्बर पर? ऋण आवेश। जब एम्बर को हम चमड़े से रगड़ते हैं तो रगड़ने से इसमें ऋण आवेश आ जाता है, और यह ऋण आवेश क्यों आ जाता है? क्योंकि जो चमड़े पर इलेक्ट्रॉन होता है वह सारे एम्बर पर शिफ्ट हो जाते हैं, और एम्बर पर शिफ्ट होने से इस पर ऋण आवेश आ जाता है, और जो चमड़े पर जो इलेक्ट्रॉन थे यह सारे इसके ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसके ऊपर, चमड़े के ऊपर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के कारण चमड़े से इलेक्ट्रॉन समाप्त या लगभग ख़त्म हो जाते हैं, और ख़त्म होने के कारण ही चमड़े पर प्लस चार्ज आ जाता है और एम्बर पर माइनस चार्ज आ जाता है। क्यों आता है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। एम्बर को जब मैं कपड़े या फिर चमड़े से रगड़ता हूँ तो इसके ऊपर रगड़ने से एम्बर में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, सारे कपड़े के या चमड़े के सारे इलेक्ट्रॉन एम्बर पर चले जाते हैं, और एम्बर पर जाने के कारण इस पे माइनस चार्ज बढ़ जाता है, और बढ़ने से ही यह ऋण आवेश हो जाता है। और जब इस पे से यानी चमड़े से या कपड़े से ऋण आवेश या इलेक्ट्रॉन यहाँ से एम्बर पर चले जाते हैं तो एम्बर पर जाने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन समाप्त हो जाते हैं या लगभग ख़त्म से हो जाते हैं, इसीलिए इस पर प्लस चार्ज आ जाता है चमड़े पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋण आवेश आ जाता है एम्बर पर। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमान चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर ए आकर्षित, ऑप्शन नंबर बी प्रतिकर्षित, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आकर्षित। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। आपने चुंबक देखा होगा बचपन में, या फिर स्कूल वगैरह में आपको दिखाया होगा कि दो चुंबक होते हैं जिनका
एन और एस सिरा होता है। तो मैं एन और एन को पास में लाऊँ तो यह दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, लेकिन मैं यदि एन और एन को ही एक पास में लाऊँ तो यह दूर जाएंगे, अपने से दूर जाएंगे। तो यानी कि समान चार्ज होने पर, यानी एन एन होने पर यह दूर जाएंगे और एस एस होने पर यह पास आएंगे। तो यही होता है विद्युत में भी, यदि समान चार्ज या समान आवेश हो तो वह दूर जाएंगे और असमान चार्ज हो तो वह पास आएंगे, यानी आकर्षित होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं 10 क्वेश्चन पर, और कल से हम 15 15 क्वेश्चन करेंगे। और यदि सेशन अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सेशन कैसा लगा, और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आईटीआई वाले बच्चों के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सेशन है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो आईटीआई गोल टेक्निकल पर, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए, और बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वह सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। और सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।